ये मूवी मत देखना, द बॉय एंड द हीरोज। और भाई इसने जो डिसअपॉइंट किया है वो अलग ही है। मैं ये मूवी देखने गया था 13 मई को, और हाँ भाई मैं 10th में हूँ और मेरा 13 मई को रिजल्ट भी आया था। 12 बजे रिजल्ट आया तो 4 बजे मैं मूवी देखने गया था। तो तुम्हें इस बात से अंदाजा हो ही गया होगा कि भाई मेरे कितने परसेंटेज आए, और अभी भी नहीं हुआ है तो भाई कमेंट करो, मैं बता दूंगा। वैसे तो द बॉय एंड द हीरोज ये एक ऑस्कर विनिंग मूवी है, इसने ऑस्कर जीता है, पर भाई ये दिल जीतने में सबसे ज़्यादा बेकार है। मैंने बहुत सारी स्टूडियो जिबली की मूवी देखी, जैसे विस्पर्स ऑफ हार्ट, स्पिरिटेड अवे, ग्रेव ऑफ द फायर माई फेवरेट, उसके बाद प्रिंसेस मोमोनोसुके, भाई बहुत तगड़ी मूवी है, एक एक मूवी दिल में बस जाती है। पर यार ये उस तरह का कोई इफेक्ट नहीं डाल पाई, इसकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कोई भी एक प्रॉपर स्टोरी कभी सेटअप ही नहीं की गई थी। ऐसा लग रहा था बस चलता जा रहा, मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी। एक लड़का है माहितो नाम का, और भाई माहितो नाम सुन के ही मुझे कमीने की शक्ल याद आती है। तो ये कहानी है 1931 की, जो माहितो नाम का लड़का, उसने अपनी माँ को खो दिया था जापान के वॉर में। उसके बाद उसके जो पापा थे, जो एक बहुत बड़े बिजनेस ओनर थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी कंट्री साइड, मतलब गाँव की तरफ। वहाँ जाके उसके पापा ने शादी कर ली, मतलब उसकी माँ की छोटी बहन से, और वो बन गई उसकी स्टेप मदर। और ऐसे ही करते माहितो को वहाँ जब गया तो उसको बहुत अजीब चीज़ें मिली। एक हीरोन मिला, मतलब एक बबूला जो बोलता था, और वो यही बोल रहा था कि तुम्हारी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है तुम्हारी माँ को ढूंढने में। माहितो को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उसको यकीन आने लगा इन चीज़ों पे। उसके बाद अचानक से एक दिन उसकी माँ भी जंगल में गई और बूम गायब। क्या माहितो अपनी माँ को ढूंढने गया, और वहाँ पे जाके उसको पूरी चीज़ मिली कि उसका जो खानदान है वो ऐसा खानदान है जो पूरे वर्ल्ड को बैलेंस करते हो, और वो देख रहे हैं किसी सक्सेसर, मतलब किसी ऐसे बंदे को जिनको वो अपनी पूरी जायदाद, मतलब जायदाद थोड़ी देते हैं, मतलब पूरा काम संभाल सके। और माहितो के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इस वजह से माहितो तो एक परफेक्ट कैंडिडेट है उनके सक्सेसर का। अभी तक मैंने मूवी की बहुत बुराई कर ली है, पर मूवी में कुछ अच्छे पार्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, जैसे मूवी की जो फन एलिमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब मूवी में हर जगह तुम्हें हंसी तो आएगी, क्योंकि एनिमेशन इतनी अच्छी थी कि मतलब वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर रही थी। उसके बाद आते हैं एनिमेशन पे, भाई स्टूडियो जिबली है, एनिमेशन टॉप क्लास थी, ऑस्कर विनिंग एनिमेशन है, पर स्टोरी और मूवी नहीं। इस मूवी से एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ऑस्कर जीता पहली बात, और दूसरी बात स्टूडियो जिबली और मियाज़ाकी फिल्म्स है। मैंने इनकी सारी मूवी देखी है, जितनी भी पहले नाम बताया, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, स्पिरिटेड अवे, मतलब बहुत सारी मूवी देखी इनकी, मतलब एक एक मूवी एकदम दिल में बसी है, खासकर ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज और विस्पर ऑफ हार्ट। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज मैं अभी भी देखता हूं तो भाई रोना आता है, इतनी बढ़िया स्टोरी लिखी गई थी उसकी, पर इसकी उस लेवल पे नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो कमेंट में मुझे सही करना, करके बताना अगर तुमने थिएटर में ये मूवी देखी तुम्हें कैसी लगी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पर मूवी अच्छी नहीं थी, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस मूवी को। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगली बार बनूंगा मैं आप तुमको काइजू के साथ।